अंतरिक्ष के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जिन्हें अभी विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जिन्हें जानकर आप यह सोचोगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विचित्र है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आप आसमान में स्टार्स देखते हो वो यूनिवर्स का केवल 5% ही है, बाकी का 95% डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी से बना है। जब वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि जिस स्पीड से गैलेक्सी मूव करती है उस स्पीड के कारण तो गैलेक्सी की एटमोस्ट लेयर में जो मैटर है जैसे स्टार्स, एस्टेरॉयड, सोलर सिस्टम्स को अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होता है। गैलेक्सी के सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट कितना ही दूर क्यों ना हो, वो हमेशा गैलेक्सी के अंदर ही रहता है, वो गैलेक्सी के बाहर नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसने हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है और उसे ही हम डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते। हमें यह भी नहीं पता कि डार्क मैटर और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है और क्यों डार्क मैटर ऑब्जेक्ट को ट्रैप करता है। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स जो ब्रह्मांड का विस्तार करवा रही है। वैज्ञानिकों को पहले ऐसे लगता था कि ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच में होगा। उनके अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्रह्मांड की विस्तार करने की गति धीमी हो जाएगी और एक टाइम पर ब्रह्मांड की गति रुक जाएगी और फिर ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और फिर ब्रह्मांड का अंत एक बड़े धमाके में, एक बिग क्रंच में होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कुछ ऑब्जर्वेशन से देखा कि ब्रह्मांड की विस्तार करने की गति पहले से बढ़ती जा रही है, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसका विस्तार करवा रही हो और उसी फोर्स को हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का आधे से ज़्यादा हिस्सा अंधेरे में है, शायद उसी अंधेरे में ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा न जाने कितनी मिस्टीरियस चीज़ें इस ब्रह्मांड में हैं जिनके बारे में हमें पता भी ना हो। दी वाव सिग्नल। अब तक के हमें जितने भी मिस्टीरियस सिग्नल मिले हैं उनमें से सबसे मिस्टीरियस सिग्नल दी वाव सिग्नल ही है। यह सिग्नल हमें सन 1977 में मिला था और बिग ईयर नामक रेडियो टेलीस्कोप ने इसे कैच किया था। इस सिग्नल को डॉक्टर जेरी ने डिकोड किया था। यह सिग्नल हमें 72 सेकंड तक मिला और फिर उसके बाद यह कभी प्राप्त नहीं हुआ। अंतरिक्ष के जिस जगह से यह संदेश आया था वहाँ वैज्ञानिकों ने कई बार स्कैन किया लेकिन वह संदेश हमें फिर देखने को नहीं मिला। यह सिग्नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वैज्ञानिकों के अनुसार 90% से ज़्यादा चांस है कि यह सिग्नल हमें किसी एलियन सभ्यता ने भेजी हो। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 MHz थी। इस सिग्नल को हाइड्रोजन लाइन भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कोई डेवलप सिविलाइजेशन ही क्रिएट कर सकती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। द ग्रेट अट्रैक्टर। द ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसी जगह है जो मिल्की वे गैलेक्सी और अन्य 400 गैलेक्सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चली तो वो बहुत हैरान हो गए कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसा हमारी अर्थ सन की तरफ और सन मिल्की वे के सेंटर की तरफ, और अब मिल्की वे भी ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींची जा रही है। इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सन 1990 में रॉसेट एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया। फिर इन्होंने सीजर नामक प्रोजेक्ट को भी शुरू किया। इन सब के बाद हमें यह पता चला कि द ग्रेट अट्रैक्टर को भी अपनी तरफ कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है जिसका नाम शेपली क्लस्टर है, जो एक मैसिव गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है। लेकिन जब बाद में पता चला कि एक और सुपर क्लस्टर जिसका नाम वेला सुपर क्लस्टर है वो भी मिल्की वे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस बात ने वैज्ञानिकों को बहुत हैरान कर दिया था। इन तीनों क्लस्टर में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे ज़्यादा अपनी तरह अट्रैक्ट करने वाले क्लस्टर शेपली क्लस्टर, फिर ग्रेट अट्रैक्टर और फिर वेला सुपर क्लस्टर है। अगर आपको अपनी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।